I'm a blue devil. Anemic, skin, it's reading. Drunken, I'm geeking. Shit turn me to a demon. तो गाइस एपिसोड का शुरुआत हमें दिखाया था हाँ मेन कैरेक्टर 7 मेंबर बैठा हुआ होता है। अगले सीन हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर 7 बोलता है कि वो वजह शानदार है, तभी डायलॉग बोलते हैं असल में उनकी तरफ ध्यान मत दो। अगले सीन में एक जो आदमी होता है वो उनके वहाँ पर वाल कटवाने गया हुआ होता है, हमें दिखाया मेंबर एक लड़का होता है वो उसके सिर के ऊपर वाटर स्टाइल उसके सिर में पानी डाल रहा होता है और एक बंदा होता है वो उसके सिर में हवा दे रहा होता है और हमें दिखाया जाता है। दूसरे सीन में और एक आदमी आता है वो उसके बाल को काट रहा होता है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहीं पर उसका जो हेयर स्टाइल होता है वो एक शेर की तरह एक शेर की तरह कर चुके होते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहीं पर हमें मेन कैरेक्टर छुपा हुआ होता है, हमें दिखाया जाता बोलते हैं अभी तुम नहीं बचने वाले थे भाई अचानक से, वो उसके बाल को काटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसके बाल को काट नहीं पा रहा होता है। हमें दिखाया जाता बोलते हैं असल में ये कोई आम बाल नहीं है, वो असल में बोलते पावरफुल बाल है, मैं इसको सातान से करवाया हूँ इसीलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमें मेन कैरेक्टर बोलते ये भी कोई आम कैंची नहीं है, ये भी कोई आम सीजर नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा हाईटेक सीजर है। हमें दिखाया जाता है उस सीजर से उसके बाल को वहीं के वहीं काट डालता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर होता है वहाँ से भागने लगता है, तभी अचानक से वो सारे लोग उसको उसके पीछा करवाने लगते हैं और वो एक रोडली बॉल बन के उसके पीछा करने लगते हैं। हमें दिखाया वो रास्ते में आए हुए सारी चीज़ों को काटते हुए जा रहे होते हैं कि भाई अचानक से डायरेक्ट बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत जाओ सेवन, तो चलो हम लोग अलग अलग भागते थे। हमें दिखाया जाता है हमारे सेवन जो होता है बोलते हैं जाओ साफी, तभी हमें दिखाया वो असल में हमारे जो फ्लाइंग चिकन को बुला रहा होता है। हमें दिखाया जो फ्लाइंग चिकन होता है वो उन दोनों को लेने के लिए आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है सेवन चिकन होती है वो अचानक से एक बिल्ली को सेवन की बजाय एक बिल्ली को ले लेती है और हमें दिखाया जाता है सेवन बोलता है कि तुम इसको क्यों लेके जा रही हो, तुम तो मुझे लेने जाना था ना। तभी हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमें कर भाई बैठा हुआ उधर बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तभी हमें दिखाया जाता है बोलता है सर तुम्हारी गलती है, तुमने अभी तक एक भी काम एक भी किलिंग ठीक से नहीं किया है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, प्लीज़ तुम मुझे मत बोलो। अगले सीन में दिखाया तभी अचानक उसके पास आके एक बंदा खड़ा हुआ होता है और हमें दिखाया है तो बोलता है ये बंदा कौन है, तो भी अचानक से वो आसमान में देखता है और हमें दिखाया है ऊपर में असल में और कोई नहीं वो बॉडीगार्ड होता है। अगले सीन में वो बॉडीगार्ड का हेयर शैम्पू करवा रहा होता है, बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे किलर वगैरह आ चुके हैं इसलिए मुझे लगता है कि तुम सभी का उसके बारे में पता होगा, यदि तुम उसके बारे में पता है तो मैं तुमको हायर करता हूँ, तुम सभी किलर को मार डालो। अगले सीन में हम दिखाते थे अचानक से बोलता है यदि तुम उसको मार डालोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। उसके बाद हम मेन कैरेक्टर का सेवन को कुछ समझ में नहीं आता और बोलते हैं शायद से पागल हो चुका है, तो हमें दिखा दो वो टाइप होकर वहाँ पर लेकर बोलता है असल में शायद से इसका जो दिमाग वो खाली हो चुका क्योंकि वो किलर को मारने के लिए और किलर को भेज रहा है। तो हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर उसके बाल काटने लगता है, हमें दिखाया तो बोलता है ये लो इनाम का पैसे, तो हमें दिखा दे रहा है वो इनाम के पैसे देखिए बहुत हैरान होता है क्योंकि वो इनाम के पैसे में 10 लाख रुपये होते हैं। तो हमें दिखा दे बोलता है थैंक यू तुम्हारी जैसे बंदों की हमारे यहाँ पर जरूरत थी, तो हमें दिखाया चाहे सर मेन कैरेक्टर उसके बाल काटने लगता है। अगले सीन में डाइव बोलता है कि चलो सेवन तुम्हें अभी काम पर जाना है और हमें दिखाया जाता है अचानक सेवन बोलता है कि तुम वहाँ पर कहाँ पर किसको उंगली दिखा के बोल रहे हो, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है डाइव बोलते तो तुम जाते क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है, तभी हमें दिखाया जाता बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, वो बोलते कोई आम किलर नहीं है बहुत ज़्यादा ताकतवर किलर है, तभी हमें दिखाया बोलता है कि तुम क्या तुम डर रहे हो सेवन, मुझे नहीं लगा था तुम कभी डरोगे, तभी हमें दिखाया था हाँ मैं डर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, तभी हमें दिखाया जाता है डाइवो बोलता है कि देखो मैंने मैं इस चीज़ को इन्वेंशन किया हूँ ये मेरा न्यू इन्वेंशन है, तो हमें दिखाया जाता है वो बोलता है ये लो तुम इसको यूज कर सकते हो, तो हमें दिखाया बहुत असल में एक जेल होता है हेयर जेल होता है, तो वह अचानक से हमें उस जेल को लगाने लगता है और हमें दिखाया जाता है असल में उसके नीचे एक सीक्रेट सी जगह है जहाँ से निंजा स्टार निकलेगी और वो निंजा स्टार जाके सीधे उसके टारगेट में लगेगी और वो टारगेट बिना कुछ जाने वहीं पर मर जाएगा। उसके अगले सीन में हमारा डाइवो होता है वो अचानक से हमारे मेनकेट को पंच मारता है और बोलता है ये निकल यहाँ से। अगले सीन हमें दिखाया था हमें कैरेक्टर एक जगह पर आए हुआ होता है एक रेस्टोरेंट पर, तो हमें दिखाया था बोलता है कि हमारे बहुत सारे किलर वगैरह आ चुके हैं। अगले सीन हमें दिखाया था वहाँ पर उसके आगे एक बंदा बैठता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, मैंने सही कहा ना। अगले सीन हमें दिखाया था वो आसमान में बहुत सारे कार्ड को फेंकता है और हमें दिखाया था बोलता है कि वो बोलता है तुमने सही कहा मैं हूँ किलर 3346 नंबर पे हूँ, तो हमें दिखाता है मेन कैरेक्टर को मुझे पहले अपने बाल को ठीक करने दो। अगले सीन में अचानक से वो उसके ऊपर अपने निंजा स्टार से हमला करता है, तो हमें दिखाया था वो वो उस निंजा स्टार को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इसे बकवास ट्रिक से मुझे मार नहीं पाओगे। अगले सीन में दिखाया था वो अपने उस डब्बे के अंदर से दो डाइस को निकालता है और वो आसमान फेंकता है, उसके साथ साथ ही वो भी आसमान में चला जाता है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्टाइल है। अगले सीन में अचानक से वो उस टाइज के वो उस डब्बे को नीचे आके पटक देता है, नीचे आके बहुत जोर से लगाता है और हमें दिखाया अचानक से उसके नीचे में से जो उसमें जो नीचे स्टार लगाता है वो अचानक से आके उसके छाती में लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है और बोलता है कि तुम्हारी गंदी चाल। अगले सीन में वहीं पर शॉप का मालिक आता है और बोलता है कि इसने तो पैसे भी नहीं दिया था, तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर तुम रुको तुम भी आसमान देखो वहाँ पर एक लड़की है, तभी हमें दिखा था वहाँ पर देखता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से छुपके हुए चला जाता है और बोलता है मैं तो अभी बाल बाल बचा हूँ,
रखते हुए दिखा था। मैंने क्या बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा से भूख लगी है, क्या तो मुझे ये बैट बॉल दे सकते हो? तो हमें दिखाया जाता है। ये बात को सुनते वो जो आदमी होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में चला आता है और बोलता है कि तूने मुझे पहचान कैसे लिया? तो हमें दिखाया जाता है वो भी एक किलर होता है, बोलता है कि मैं हूँ किलर। अगले सीन में दिखाया जाता है हारमेंट का, बोलता है कि तुम जो भी हो पहले मुझे खाने को दो, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट उसके पास आके बहुत ज़ोर से उसको मारने लगता है, और हमें दिखाया जाता है उसको आसमान फेंक देता है, और वो आसमान में जाने के बाद उसको फिर से नीचे बहुत ज़ोरों का मारता है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो नीचे जा रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है नीचे जाने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है क्योंकि वो नीचे गिर चुका होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो मतलब बहुत सांड होता है वो नीचे आता है, हमें दिखाया जाता है बोलते कि वो चला गया था। हमें दिखाता है हमारे मैं बोलता है कि शुक्र है मैं बच गया था। हमें दिखाता है अचानक से वो उसके पूंछ को जाकर मतलब उस सांड के पूंछ को जाकर काट लेता है। हमें दिखाता है अगले सीन में वो जो क्लियर होता है उसका हाथ मतलब उसको जो हाथ होता है वो पीछे तरफ नहीं पाते, इसके कारण हमें बताया जाता है कि असल में बॉडी बिल्डर के जो हाथ होते हैं उसके जो हाथ वो पीछे तरफ नहीं पाते थे। हमें दिखाया जाता है जो सांड होता है मतलब जो किलर होता है वो एक चीज़ को नोटिस करता है, और वहाँ दिखाया जाता है वो उस चीज़ के पास जाके वहाँ पर बैठ जाता है और बोलता है अभी तू मरेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है नेक्स्ट हारमेन कट वहाँ चला आता है, हमें दिखाता वो ये बात को देख के थोड़ा सा हैरान होता है, बोलता है कि तू वहाँ पर कैसे आ गया? हमें दिखा वो वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में दिखाता है हारमेन कट, बोलता है कि तुम्हारा जो बी बॉल है वो ज़्यादा टेस्टी है, मैं खा के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगले सीन में दिखाता है वो बोलता है कि साला चिरंद कहीं का। अगले सीन में हमें दिखाया था मेन कटा कि जब वह टॉयलेट गया हुआ होता है, हमें दिखाया था बोलता है कि अभी की टॉयलेट करके शांति मिल रही थी, अचानक से वो बोलता है कि ए तुम्हें देख के मुँह तो मेरे ऊपर गिर रहा है। तो हमें दिखाया था अचानक से अगले सीन में वो जो आदमी होता है वो भी किलर होता है, बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? तभी हमें दिखाया था हमारे मेन कटे से बोलता है क्या तुम कोई कॉस्प्ले में जाओगे? तभी हमें दिखाया था अचानक से वो जो आदमी होता है बोलता है कि मैंने इस ड्रेस को इसीलिए पहना है कोई मुझे किलर समझे, तो क्या तुम्हें नहीं लगता? तभी हमें दिखाया था बोलता है कि ये तो आम सा ही कपड़ा है, इसमें मतलब अलग ही क्या है? तभी हमें दिखाया था वो जो दुखी हो जाता है और बोलता है कि तुमने मुझे क्या बोल दिया? तभी हमें दिखाया था वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और बोलता है अभी तुम नहीं बचने वाला। तभी अचानक से हमें दिखाया था अचानक से उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर से एक सीजर निकल के आता है, हमें दिखाया उसकी जो तलवार होती है वो टूट चुकी होती है, और हमें दिखाया था वो एक कोने में बैठा हुआ होता है। हमें दिखाया था हमारे वेंकट बोलता है कि मुझे लगता है तुम एक लौते असासीन हो जो ऐसे कपड़े पहनता है। तो हमें दिखाया था बोलता है कि मैं एक लौता हूँ तो मैं बहुत यूनिक हूँ, मैंने सही कहा था। हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे वेंकट बोलता है मुझे जल्दी घर निकलना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत सारे किलर वगैरह ढूंढ रहे हैं। तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर जो अंकल चेन होते हैं वो वहीं पर गिरे हुए होते हैं। हमें दिखाया जाता है वो देखता है वहाँ पर जो एक किलर होता है वो हमारी लड़की को परेशान कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि इस आइलैंड पर सबसे ताकतवर बंदा कौन है, मुझे इसके बारे में बताने दो, मैं तुम्हें अभी कभी मार डालूंगा। अगले से हमें दिखाया जाता है वहीं पर अचानक से बोलता है असल में वो बंदा तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, तुम कहाँ देख रहे हो? तो अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है, हमें दिखाया जाता है उसके आगे एक सीजर आके लगता है, और हमें दिखाया जाता है उस सीजर को वो अपने शोर से मतलब शोर की मदद से डॉच कर लेता है। और हमें दिखाया जाता है हमें कट वहीं पर खड़ा हुआ होता है, बोलता है कि तुमने एक बूढ़े आदमी को मारने की कोशिश की और एक लड़की को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। अगले से दिखाया बोलता है कि तो तुम हो यहाँ के सबसे पावरफुल पावरफुल किलर, मैंने सही कहा ना? बोलता है तो ठीक है मैं भी हूँ, मैं भी बहुत पावरफुल किलर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से हराने आया हूँ। तो हमें दिखाया था हमें अंकल बोलता है कि तो ठीक है। अगले से वो बोलता है कि तुम जाओ अंकल चैन को लेकर चमत्कार डॉक्टर पास ले जाओ। तो ये वो जो लड़की होते बोलते हैं तो ठीक है मैं अभी जा रही हूँ। अगले सीन में दिखाया है तो वो जो आदमी होता है मतलब वो जो किलर होता है वो होता है तो ठीक है चलो अभी अपना फाइट शुरू कर देते। अचानक से वो अपने शोर से एक गोली को शूट करता है हमारे मेन कैट की तरफ, और हमें दिखाया था वो गोली सीधे मेन कैट की तरफ लगता है, और हम मेन कैट वहीं पर सो जाता है वहीं पर गिर जाता है। अगले सीन में दिखाया बोलता है कि देखा ना मैं अपने शोर को इतने तेज चलाऊंगा कि तुम देख ही नहीं पाओगे, असल में ये मैं डबल हंड्रेड शोर है, मैं इसको जो भी चाहे एक गन बना सकता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है बोलते कि देखा तुम हार चुके हो, मैं इस आइलैंड का सबसे ताकतवर किलर हूँ, मैंने सही कहा ना? बचाने से हमें दिखा था अगले सीन में हमारे सेवन तो वो अचानक से खड़ा हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है वो बोलता है तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी जो गोली है वो मेरे जो मतलब बॉस मेरे सीजर को भी नहीं हरा पाई। तो हमें दिखा था बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमजोर मतलब बहुत ज़्यादा डरपोक और कमजोर किलर हो, मैंने सही कहा। अचानक से उसके ऊपर हमारे जो मतलब उसका जो मतलब सीजर है उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, और अचानक से उसको कुछ याद आने लगता है, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट स्किल सीखने के लिए, लेकिन जब मैं फाइटिंग करने जाता था मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। और हमें दिखाया था इसलिए मैंने अपने जो ब्लेड में कुछ चेंजेस किए उसको मैं गन बना लिया, ये जो टेक्निक है बहुत मतलब बहुत बार काम करती थी और मैं उससे बहुत बार जीता हुई हूँ। अगले सीन में बोलता है कि मैं आज भी नहीं हारूंगा। तो अचानक से वो अपने शोर्स को अपने शोर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, और हमें दिखा दो बोलते हैं मैं अपने जो सीजर को रोकने में कामयाब रह गया। तो अचानक से सीजर दो टुकड़े में डिवाइड होकर उसके साइड से निकल जाता है। तो अचानक से हमारा मेनकट से बना के उसको बहुत जोरों से एक पंच मारता है और वह बहुत दूर जाके गिरता है। अगले सीन में वो बोलता है कि तुम तक छोटे से किलर को भी नहीं हरा पाए तो तुम और किसी को क्या हराओगे? तो हमें दिखा दो बोलता है कि तो तुमने मुझे हरा दिया तो तुम हो कौन?
त्यौहार वेंकट बोलते हैं असल में मैं हूँ यहाँ का सबसे अच्छा बार्बर, उसके साथ ही अच्छा किलर। मैं 15 तरीकों से अपने मतलब कस्टमर का हैसल कर सकता हूँ। उसके साथ ही तुम मेरी दुकान पहली बार आ रहे हो तो वो जो हेयर कटिंग होगी वो फ्री होगी। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है, ये बात को सुनते ही बोलता है कि मैं एक बार्बर से हार गया, ये कैसे हो सकता है? तभी मैं दिखा तो बोलता है कि मुझे हारना कोई भी दुख नहीं है। अगले सिनेमा बोलता है कि मुझे लगता है कि अभी मुझे अपने बाल को काट देना चाहिए। अगले सिनेमा में दिखा तो वहीं पर हमारा जो मैन कैट होता है उस मतलब उसके दुकान के अंदर से चमत्कार डॉक्टर बाहर निकल कर आता रहा दिखा जाता है, वो चमत्कार डॉक्टर उसको बेल देता है। तो मैं दिखाते हैं हम मैन कैट बोलते तो मेरा जो इनाम है वो कहाँ चला गया? वो बोलता है क्या तुमने किसी मतलब किसी बंदे को पकड़ा है? बोलता है नहीं, तो इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैं दिखाता बोलते कि तो ठीक है सर यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ फाइटिंग करते हुए। अचानक उसके पीछे से हमारे किलर 13 आ जाते हैं और उसके बालों को वहीं पर काट डालती है और बोलते कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हारा और कुछ काट डालूंगी। अगले सिनेमा में दिखाता वो सारे वहाँ से निकलने लगते हैं मतलब भागने लगते हैं। तभी दूसरे सिनेमा में दिखाता है मैंकेट बोलता है 13 तो यहाँ पर कैसे? तो हमें दिखाया अचानक से हमारे जो 13 होते बोलते हैं असल में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम उससे नहीं लड़ पाओगे नहीं तुम मारे जाओगे। अगले सिनेमा में दिखा रहा है वो बोलता है कि तो ठीक है मुझे लगता है कि हम लोगों का बॉडीगार्ड की जो स्कीम है उसको शुरू करना चाहिए। और उसके साथ ही आज का जो हमारा सीजन 7 का सीजन 2 का एपिसोड 1 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए रोज लाते रहते हैं। तो वैसे आज के वीडियो इतना होता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।